इतनी बजे शुरू होगा भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला। रोहित शर्मा हुए टीम से बाहर तो केएल राहुल बने टीम इंडिया के कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला ढाका के मैदान पर खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जहाँ पर भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कप्तान रोहित शर्मा, दीपक चहर साथ ही साथ यहाँ पर कुलदीप सेन समेत कई खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, तो इनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11, साथ ही हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब शुरू होगा और इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करे और इस सीरीज को बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह से क्लीन स्वीप ना करने दे, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला ढाका के मैदान पर खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जहाँ पर भारतीय टीम में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है, तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम भी कई दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। तो ऐसे में हम बात करें इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कब शुरू होगा और इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे अन्नामुल हक के साथ कप्तान लिटिन दास। वहीं पर नंबर 3 पर नजमुल्ला हुसैन उतरेंगे, नंबर 4 पर साकिब अल हसन, नंबर 5 पर मुसाफिकुर रहीम, तो नंबर 6 पर महमूदुल्ला, नंबर 7 पर अपीप हुसैन, नंबर 8 पर मेहंदी हसन हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर नंबर 9 पर नासूम अहमद, तो नंबर 10 पर इबादत हुसैन, नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही टीमों की गेंदबाजी से लगाकर बल्लेबाजी में कई शानदार खिलाड़ी मौजूद है, जो इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की हम बात करें तो फाइनल ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया बड़े बदलाव करने जा रही है, जहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ शिखर धवन। यानी कि यहाँ पर रोहित शर्मा की जगह पर अब हमें ईशान किशन पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। तो नंबर 3 पर विराट कोहली उतरेंगे, नंबर 4 पर सरयस अय्यर, नंबर 5 पर टीम के कप्तान लोकेश राहुल उतरेंगे, तो नंबर 6 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, तो नंबर 8 पर शाहबाज अहमद उतरेंगे, तो वहीं पर नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, तो नंबर 10 पर उमरान मलिक, वहीं नंबर 11 पर इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे शार्दुल ठाकुर। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, जो इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय की, तो यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार 10 दिसंबर को सुबह 11:30 पर, जिसे आप लाइव देख पाएंगे डीडी स्पोर्ट्स, साथ ही यहाँ पर अमेजोन प्राइम ऐप पर। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में टीम इंडिया शानदार जीत दर्ज कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।